नमस्कार पलपल न्यूज की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू अख्तर। हम लगातार मोदी मीडिया जिस तरह से अपना ईमान बेचकर सिर्फ और सिर्फ मोदी मय की गुणगान करने में लगा है, हम उसके हर पहलू को आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस बार मामला बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जॉन इब्राहिम को आप सभी जानते हैं, जिन्होंने कहा है कि मोदी मय या ये कहें कि मोदी लहर केरला में नहीं है और ना कभी हो सकती है। उनके इस बयान से पूरी तरह से गोदी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है और हर कोई अपनी हल्ला बोल और तमाम तरह के डिबेट लेके बैठे हैं कि केरला में ऐसा क्यों है कि वहां पर अब तक मोदी लहर नहीं है। दरअसल जॉन इब्राहिम एक बुक की रिलीजिंग के लिए मीडिया से मुखातिब हुए थे, जहां पर उनसे पूछा गया कि क्या वजह है कि केरला में अब तक मोदी में नहीं फैल पाया है, या ये कहें कि मोदी का जो जादू है वो अब तक क्यों नहीं हो पाया है। इसी बात पर जॉन इब्राहिम ने जवाब देते हुए कहा कि ध्रुवीकरण का जो जहर है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन ध्रुवीकरण का ये जहर केरला में नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग एकता और शांतिपूर्वक रहने वाले लोग हैं। इसी वजह से वहाँ पर अब तक मोदी में लहर नहीं है और ना ही आगे होगी। मैं अपनी बात रखूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता केरला और साउथ इंडिया में क्यों कम है, ये सवाल जब जॉन इब्राहिम से पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दे दिया जिसके बाद पूरा का पूरा गोदी मीडिया पगला गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर जॉन इब्राहिम की, जिन्होंने केरला में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ना होने की वजह बताई है। उनका कहना है कि केरला के लोगों पर ध्रुवीकरण का असर नहीं होता है, इसीलिए केरला में मोदी की लहर नहीं है। दरअसल गुरुवार को जॉन इब्राहिम लेखक मुरली मेनन की लिखी किताब द गॉड व्यू लॉर्ड मोटरबाइक्स के लॉन्च पर पहुंचे थे। इस मौके पर उनसे एक पत्रकार नम्रता जकारिया ने पूछा कि आखिर केरला में अभी तक मोदी में क्यों नहीं हुआ है, ऐसा क्या है जो केरला के लोगों को बाकियों से अलग करता है। इस सवाल पर एक्टर ने कहा कि इस देश की राज्य में एकता बेहद मजबूत है, जिसकी वजह से वहाँ ध्रुवीकरण नहीं हो सका है और यही वजह है कि मोदी में अब तक केरला में नहीं हुआ है। जॉन इब्राहिम से केरला के बारे में ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि केरला उनका होम स्टेट है और यहाँ बीजेपी का एक भी सांसद नहीं है। जॉन ने पत्रकार पर ये सवाल कहा कि केरला की सुंदरता ये है कि आप 10 मीटर के दायरे में बिना किसी समस्या के मंदिर मस्जिद चर्च एक साथ देख सकते हैं, यहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, जबकि पूरी दुनिया में ध्रुवीकरण हो रहा है। केरला एक ऐसी जगह का उदाहरण है जहाँ अलग अलग धर्म समुदाय के लोग एक साथ शांति से रहते हैं। जॉन ने केरला को कम्युनिस्ट स्टेट बताते हुए कहा, मुझे याद है कि जब फिदेल कास्त्रो का निधन हुआ था उस वक्त मैं केरला में था और उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए सभी जगह से प्रोटेस्ट और होस्टिंग करने वाले केरला एकमात्र राज्य था, तो एक तरह का केरला सचमुच कम्युनिस्ट है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने पढ़ने के लिए मुझे मार्क्सवाद से जुड़ा काफ़ी साहित्य दिया था। कई सारे मल्लू लोगों का एक कम्युनिस्ट पक्ष भी होता है। हम सभी एक समाज में जीवन धन समान वितरण में विश्वास रखते हैं। केरला इसका चमकता हुआ उदाहरण। आपने देखी हमारी रिपोर्ट। पत्रकार ने जानबूझकर जॉन इब्राहिम से केरला पर मोदी मय पर सवाल किया और ये सवाल सिर्फ उनसे इसलिए किया गया क्योंकि केरला उनका होम टाउन है और होम टाउन के चलते उनको इस तरह की क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है गोदी मीडिया के जरिए, क्योंकि गोदी मीडिया अपना ईमान बेचकर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करने में बिजी है। शुक्रिया।